सुनो, जाने से पहले मुझे 1,000 रुपए दे के जाना। 1,000 रुपये? वैसे क्यों चाहिए 1,000 रुपये? क्यों, क्या होता है? तुम्हें 4 दिन से बोल रही हूँ कि घर में राशन खत्म है, ना दाल है ना आटा है। तुम्हारे पास तो है नहीं टाइम जाने का। मैंने सोचा मैं ही ले आती हूँ, इसलिए मुझे पैसे दे देना, मैं ले आऊंगी। तुम ना चिंता मत करो, मैं आज ले आऊंगा आने से पहले। तुम्हें 4 दिन से बोल रही हूँ कि ले आओ, तुम लाए हो। अरे मैंने बोल दिया ना मैं लेता आऊंगा, क्यों बार बार बोले जा रहे हो? अभी तक तो तुमसे लाया नहीं जा रहा, 4 दिन हो गए। अब मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ तो तुम्हें पैसे देने में भी दिक्कत हो रही है। अरे यार इतनी बड़ी तो बात है भी नहीं, तुम छोटी सी बात को खींचे जा रही हो। पता नहीं क्या हो गया है, सुबह सुबह बहस कर रही हो जब मैंने बोल दिया कि मैं ले आऊंगा शाम को। हद हो गई यार, सिर्फ 1,000 रुपए ही तो मांगे हैं, उस पे तुमने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे बहस कर रही हूँ। तुम चुपचाप पैसे दो और फिर जाओ। मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज रात को खाना नहीं बना ना और तुम राशन नहीं आए तो मुझे कुछ मत कहना और मरना भूखे। अरे भैया, आप यहाँ कुछ काम था क्या? काम वाम को छोड़ो, आप मेरा किराया निकालो। किराया? लेकिन वो तो आपको दे गए होंगे ना। कोई किराया विराया नहीं दिया आपके पति ने, 2 महीने का किराया बाकी है। पर वो तो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने 2 दिन पहले दे दिया है किराया। झूठ बोल रहा है आपका पति, मैं जब भी फोन करता हूँ आज दे दूंगा कल दे दूंगा, 2 महीने से परेशान करके रखा हुआ है, और अब तो फोन भी उठाना बंद कर दिया उसने, और इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, मेरे को मेरा किराया मिल जाना चाहिए। बता देना अपने पति को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ नमस्ते मम्मी, मैं इस आदमी से ना परेशान हो चुकी हूँ। पहले तो सिर्फ ही मुझे पैसे देने से मना करता था, लेकिन आजकल मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। आपको पता है इसने मकान मालिक को अभी तक 2 महीने का किराया नहीं दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर इसकी सैलरी जा कहाँ रही है। या तो ये कहीं नशे वगैरह में लगा रहा है, या फिर कहीं इसका कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा वहाँ सारी सैलरी। मम्मी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। गीता भवन चलोगे? हाँ चलूंगा। गगन तुम? अरे बोलो भी, चुप क्यों बैठे हो? तुमसे पूछ रही हूँ। मैं पिछले 1 महीने से ही रिक्शा चला रहा हूँ। पिछले 1 महीने से? लेकिन रोज सुबह तो तुम ऑफिस के कपड़े पहन कर निकलते थे, और बैग भी होता था। बैग तो यही है लेकिन कपड़े? हाँ पहनता तो था, वो क्या है ना मेरी नौकरी चली गई थी तो मैंने सोचा ही क्या करूं, घर के खर्चे इतने सारे थे किसको कहता, इसलिए मैंने ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। और रही बात मेरे कपड़ों की, ये रही बैग में। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? बस इसलिए कि हमारी पहले इतनी ज्यादा लड़ाई होती है, और मैं आपको ये सब बताऊंगा कहीं हम और ज्यादा लड़ने ना लग जाएं। और मैंने सोचा कि मतलब तो पैसे से है ना, और वैसे ही मैं काम करके कमा रहा हूँ, किसी आगे हाथ थोड़ी फैला रहा हूँ। अगर तुम मुझे समझाते तो मैं समझती भी तो सही ना, एक बार तो विश्वास कर लेते हमारे रिश्ते पे। हाँ मैंने कोशिश की थी लेकिन पता नहीं मैं आपको क्यों नहीं बोल पाया। खैर कोई बात नहीं ना, और वैसे भी काम तो काम ही होता है, मैं ये काम करके ही पैसे कमा लूंगा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी नौकरी चली गई है तो मैं अपने खर्चों पर भी तो कंट्रोल करती ना, और घर को भी उसी हिसाब से चलाती। गगन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको मेरे इस काम से दिक्कत लग रही है तो ना आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ना कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। जॉब सिर्फ तुम ही नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी, और वैसे भी घर में दोनों रहते हैं तो दोनों चला भी तो सकते हैं ना। तुम भी जॉब पर जाना और मैं भी, इससे हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाएंगे फाइनेंशियली। और वैसे भी आज के टाइम पर एक के चलाने से घर नहीं चलता, दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ता है।